दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 12 जून 2019 बुधवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। 8वीं 10वीं 12वीं आईटीआई डिग्री डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। इनमें से कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर की बम्पर वैकेंसीज निकली है। इसमें मेल कॉन्स्टेबल के 5000 खाली पद है, फीमेल कॉन्स्टेबल के 1000, सब इंस्पेक्टर मेल के 400 खाली पद है। तो टोटल 6400 ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। वहीं बात सैलरी की जाए तो कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए 21700 से 69100 है और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 35400 से 112400 है। कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए 12वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा कॉन्स्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष है, सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 27 वर्ष है। आयु की गणना 1 जून 2019 से की जाएगी। हरियाणा जॉब लोकेशन है, आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। कॉन्स्टेबल मेल के लिए जनरल कैटेगरी के 100 आवेदन शुल्क है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 25 है। वहीं बात फीमेल की जाए तो जनरल के लिए 50 है और रिजर्व के लिए 13 रुपये आवेदन शुल्क है। ऐसा ही मेल के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 150 रुपये है, रिजर्व के लिए 35 रुपये है। ऐसा ही फीमेल के लिए 75 रुपये जनरल के लिए और रिजर्व के लिए 18 रुपये है। शुल्क आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर। रिटर्न एग्जाम के लिए सिलेबस और फिजिकल से रिलेटेड पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के अंतर्गत दी गई है, आप सिंपली चेक कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। hssc.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो 12 जून 2019 यानी कि आज ही से इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आप इस भर्ती के लिए आज ही से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट 26 जून 2019 है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट 28 जून 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड में। एनसीएल के लिए यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के 2484 खाली पद है, इसीलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 8वीं 10वीं प्लस आईटीआई अप्लाई कर सकते हैं। आयु 16 से 24 वर्ष है, आयु की गणना 1 सितंबर 2018 से की जाएगी। मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। कोई भी आवेदन शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम और ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा, ओनली मेरिट के आधार पर सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। nclcil.in ये इसका ऑफिशियल वेब पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए 11 जून 2019 से यानी कि कल से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप 10 जुलाई 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के 500 खाली पद है, सैलरी 3542 और 4984 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिप्लोमा और बीबीटेक अप्लाई कर सकते हैं। आयु की वहीं बात की जाए तो अप्रेंटिसशिप रूल के हिसाब से तय की जाएगी। चेन्नई तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम और ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा, ओनली मेरिट के आधार पर सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। boat-srp.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इनरोलिंग नट पोर्टल के द्वारा 24 जून 2019 लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट 10 जून 2019 है। अप्लाई ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 26 जून 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस में। जी हाँ दोस्तों, जल विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है वाटर सप्लाई एक्सपर्ट की। बम्पर वैकेंसीज निकली है, सेलली आप नोटिस से चेक कर सकते हो। बीबीटेक अप्लाई कर सकते हैं। आयु की वहीं बात की जाए तो वैपकोस रूल के हिसाब से तय की जाएगी। पटना बिहार जॉब लोकेशन है, आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। कोई भी आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा,
सिलेक्शन भी पर्सनल इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। wapcos.gov.in ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 20 जून 2019 है। ईमेल एड्रेस सीवी फॉर्मेट सेंड करने के लिए नोटिफिकेशन में दिया गया और साथ साथ एड्रेस भी नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही दिया गया है जिस पोस्टल पर आपको ये आवेदन पत्र भरने के बाद में सेंड करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में EPFO के अंतर्गत। एक और भर्ती आ गई है सेक्शन सुपरवाइजर के लिए, यहाँ पर 1991 खाली पद है, इसलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। किसी भी राज्य के मेल या फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल या OBC के लिए ₹500 अप्लाई शुल्क है। SC ST PWD EWS या फीमेल के लिए ₹250 है। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। epfindia.gov.in ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए 5 जून 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 23 जून 2019 है। कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो 18 जुलाई 2019 से। एग्जाम हेल्ड होगा 27 जुलाई 2019 को। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक एक्टिवेट होगा 1 से 3 अगस्त 2019 को। इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्शन रिसीव्ड होगा 24 अगस्त 2019 को। सबमिशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ EPFO की 1 सितंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। नगर निगम के अंतर्गत ये भर्ती निकली है ग्रुप सी और ग्रुप डी की। इसमें क्लर्क, लाइनमैन, पंप ऑपरेटर, बेलदार, माली, मेट सिविल, स्किल हेल्पर, पियोन, सफाई कर्मचारी की पोस्ट है। 350 खाली पद है। सेली क्लर्क के लिए 10,300 से 34,800 है, प्लस ग्रेड पे 3,200 रुपये है। पंप ऑपरेटर के लिए 5,910 से 20,200 है, प्लस 2,400 रुपये ग्रेड पे है। लाइनमैन के लिए 6,400 से 20,200 सैलरी, प्लस ग्रेड पे 3,700 रुपये है। जो ग्रुप डी की पोस्ट है इसके अंतर्गत आप यहाँ से पोस्ट चेक कर सकते हो। इसके लिए 4,900 से 10,680 सैलरी है, प्लस 1,650 ग्रेड पे है। 8वीं 10वीं ITI और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 47 वर्ष है। पंजाब जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी अप्लाई शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। lgpunjab.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेब पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 20 जून 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसीज है। सैलरी लेवल 10 और 13 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। MSc और MBBS अप्लाई कर सकते हैं। 35 और 50 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 27 जून 2019 से की जाएगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। किसी भी राज्य के मेल या फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जनरल या OBC के लिए ₹25 आवेदन शुल्क है। SC ST PH और वोमैन को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर चालान से ऑफलाइन भी करा सकते हो। रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। upsconline.nic.in ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए 27 जून 2019 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में। जी हाँ दोस्तों, एम्स के अंतर्गत असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बम्पर वैकेंसी निकली है। सैलरी 44,900 से 1,42,400 है, लेवल 7 के अंतर्गत। बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स मैक्सिमम आयु सीमा है। ऋषिकेश उत्तराखंड जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST PWD और वोमैन को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए ₹2,000 आवेदन शुल्क है। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। aimsrishikesh.edu.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए 8 जून 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 22 जुलाई 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल में। पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। वेरियस खाली पद है। सैलरी 30,000 से 50,000 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। BSc BTech अप्लाई कर सकते हैं। 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 25 जून 2019 से की जाएगी। न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी अप्लाई शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के ओनली इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। BIRAC.NIC.IN ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 25 जून 2019 है।
उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना के अंतर्गत सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर कलर के आईएसकेटी की बम्पर वैकेंसीज निकली है, सीधे आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 17.5 और मैक्सिमम 23 वर्ष आयु सीमा है। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। joinindianarmy.nic.in ये इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 जुलाई 2019 है। रैली अटेंड करनी होगी आपको 20 जुलाई से 30 जुलाई 2019 तक। रैली के लिए एड्रेस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि बुधवार की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको बिन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से सभी की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक सभी के यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं, आप सिंपली किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपके अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली इसे किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, आप सिंपली इसे किसी भी भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले पहले सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।